नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आते इलाके में एक नौजवान ने की आत्महत्या। पुलिस ने पत्नी व एक नौजवान पर मामला किया दर्ज। अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई का उसके परिवार ने ड्यूटी पर मनाया जन्मदिन। चुनावों को लेकर ड्यूटी में था व्यस्त। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आते क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं मृतक की पहचान सोनू के तौर पर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने मृतक की पत्नी आरती और इलाके में ही रहने वाली व्यक्ति बबलू पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों में नाजायज संबंध थे, जिसके चलते परेशान होकर मृतक सोनू ने बबलू के लाइसेंसी हथियार के साथ आत्महत्या कर ली, जिस कारण बबलू ने मृतक के पारिवारिक सदस्यों को बताए बगैर मृतक का संस्कार करने की जल्दबाजी की, जिसके बाद मृतक की मां और बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सोनू नामक व्यक्ति की ओर से आत्महत्या की गई है, लेकिन बाद में पारिवारिक सदस्यों के बयान और प्राथमिक जाँच के बाद मृतक की पत्नी और आत्महत्या के लिए प्रयोग में लाए गए लाइसेंसी हथियार के मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, कल ना एक रजनी नाम की औरत वाइफ ऑफ मोनू जिहड़ा वा वो मेरे को आई सी कि वो भरा सोनू जिहड़ा कि आरती लड़की नाल शादीशुदा वा, उन्हें अपनी जनानी दे नाल गलत रिलेशन दे शक दे आधार ते लड़ाई झगड़े दौरान किसी के पिस्टल दे नाल गोली चला ली है और डैथ हो गई सी। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 112 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਬਬਲੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 306 ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 181 ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧੀ 19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 306 ਠੀਕ ਹੈ 201 34 IPC 25 ਨਾੜਾ। लोक सभा चुनावों को लेकर अमृतसर पुलिस पूरे शहर में तैनात है, तो वहीं पुलिस कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही से निभा रहे हैं। अमृतसर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई मनजीत सिंह का जन्मदिन था और मनजीत सिंह अपनी ड्यूटी में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्हें अपना जन्मदिन भी नहीं याद था, जिसके चलते एएसआई मनजीत सिंह का परिवार उनके ड्यूटी स्थल पर पहुंच गया, जहां पर पारिवारिक सदस्यों ने एएसआई मनजीत सिंह को उनके जन्मदिन को याद करवाकर और वहीं पर केक कटवाकर अपनी खुशी साझा की। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई मनजीत सिंह ने कहा कि उनका जन्मदिन था, लेकिन ड्यूटी में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण वे अपना जन्मदिन भूल गए थे, लेकिन उनके बेटे ने उनके ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर उनसे केक कटवाकर खुशी साझा की। उन्होंने कहा कि वे अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही से निभा रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं कहना बहुत मैं धन्यवादी हाँ, ड्यूटी दौरान अपना जन्मदिन मनाया गया, जो कि ड्यूटी बहुत आ साढ़े अफसर ट्रैफिक बहुत वधिया ने, क्योंकि मैनू यह भी टाइम मिलता ही रेस्ट का छुट्टी का, मैंने को अपना रुझेवें करके मैं दिल्ली काम जाना, SP साहब ने रेस्ट पूछी ही मंगलवार की, मैं दिल्ली जाना, मुंडे का वीजा आया, वीजा लैन वास्ते दिल्ली जाना ही, इस करके मैं छुट्टी नहीं की। ऐतवार जो मेरा जन्मदिन मना मनाने वास्ते मैं इस करके छुट्टी नहीं, मैं हम अज शाम दिल्ली जाना, कल दिल्ली मेरे वापस वीजा लैके वापस मुंडे का आना जी। बच्चे अचानक उन्होंने प्रोग्राम बनाया जी इतने आता, मैंने तो पता नहीं भी आने, मैं तो क्या शामी अपने घर बच्चे बह के शाम को जाके ड्यूटी तो जन्मदिन मनाया जाऊगा बच्चों में। जो मेरा लड़का रोमनजीत सिंह जो विजय आ जर्मन का, वो जिद करके आ गया, आप ही दस्या भी मैं, मैं चाहूँ बाथरूम कर गया, मैंने कहा भी डैडी कितने, मैं चाहूँ जो वो गड्डी से आ गए 5-7 मुंडे यार दोस्त लै गए, नाल गुड़िया आ गई, नाल प्रवान साहब आ गए, उन्होंने इतने आके मेरा जन्मदिन मनाया गया, बहुत वधिया मनाया गया जी।
देश विदेशों से गुरु नगरी अमृतसर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और भंडारी ब्रिज पर ट्रैफिक समस्या को हल करने संबंधी ट्रैफिक पुलिस की ओर से भंडारी ब्रिज पर लगे डिवाइडरों को हटा दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP ट्रैफिक हरपाल सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर भंडारी ब्रिज पर देश विदेशों से आने वाली संगतों की सुविधा संबंधी तथा ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए बैरिगेट्स हटाकर सीधा श्री हरिमंदिर साहिब जाने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिसके चलते ट्रैफिक समस्या को देखा जाएगा और अगर ट्रैफिक रूट सही रहा तो आगे भी वे इसी रूट सिस्टम के साथ चलेंगे ताकि संगतों व शहरवासियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो भंडारी पुल ते हाल गेट की जी ट्रैफिक की समस्या सी जो मान जो कमिश्नर साहब सरदार गुरप्रीत सिंह जी भुल्लर जी वालों ये काफ़ी एक्सपर्ट न भेज के और अपने वालों उन्होंने काफ़ी यदा जो एनालिसिस किया जो असी ये पहुँच के जरा ये काफ़ी पुल जो छोटा सी जो दो हिस्सों वंडिया से उन्होंने कारपोरेशन बेनती करके उसू असी जो पुल चौड़ा करा दिता गया हूँ पुल जरा काफ़ी खुला हो गया। दूसरी एक समस्या सी कि जी संगत आ जड़े लोग हाल गेट जाना चाहते आ अल्फा वन साइड तो उन्होंने बड़ी समस्या सी कि वह जो गूगल के उत्ते पाते तो उन्होंने स्टेशन तक घूम के क्रिस्टल चौंक घूम के काफ़ी आना पैंता सी तो वजह करके लोगों जोड़े बहरों के जिन्होंने नहीं पता वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पैंता सी वो इस करके जरा इतने बैरीकेड लाए गए वो इस करके लाए गए कि जी ये भंडारी पुल से ट्रैफिक जी जिस तरह हम तुम दिखाई दी भी जाम होंगी सी वो इस वजह करके बैरीकेड लाए गए से बैरीकेडों ऑन ट्रायल बेसिस एक हफ्ता शनिवार तक ऑन ट्रायल बेसिस असं इन चला रहे हैं। जेकर ये चलन के नाल बैरीकेड खोलना कोई ट्रैफिक समस्या जी कोई ना जाम ना लगा ट्रैफिक ठीक चलती रही तो यू जरा लगातार लागू करा दिता जाएगा इतों पक्के बैरीकेड फिर चुकाते जाएंगे। बरनाला में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटों के लिए हड़ताल की। डॉक्टरों द्वारा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक OPD बंद कर हड़ताल की गई तो वहीं हड़ताल के कारण मरीज और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल ये हड़ताल होशियारपुर जिला में एक डॉक्टर पर किए गए हमले के रोष में की गई। इस मौके पर बातचीत करते हुए डॉक्टर अंकुश जिंदल ने बताया कि बरनाला सिविल अस्पताल में सुबह 8 से लेकर सुबह 10 बजे तक OPD बंद कर हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि ये हड़ताल होशियारपुर जिला में डॉक्टर पर किसी मरीज के पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए गए हमले के रोष में की गई। डॉक्टर की हालत काफ़ी गंभीर है जिसके चलते पूरे पंजाब में सरकारी अस्पतालों के स्टाफ और डॉक्टरों द्वारा हड़ताल कर अपना रोष जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल का मकसद यही है कि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक ना करे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ये जड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया है सुबह 8 बजे तो लैके सुबह 10 बजे तक 2 घंटे OPD सेवावान बंद रखी गई हैं। यदा जो कारण है वह हाल ही मतलब हुए हमले जोड़ा मतलब हुशियारपुर के ESI के SMO ने गए डॉक्टर सुनील भगत उन्होंने उपर जानलेवा हमला किया गया पेशेंट्स के अटेंडर द्वारा वह क्रिटिकल कंडीशन विच मतलब है गे तो सिर्फ जागरूकता लिए असं ये किया गया ताकि भविख में आने वाले समय के डॉक्टर्स के उत्ते इदा के हमले ना किए जा कि पीसफुली पेशेंट्स का इलाज कर सकन पेशेंट्स में भी फायदा हो मतलब ताकि इदा दनसुखद घटनावान फ्यूचर के ना वापर। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की ओर से खन्ना स्मारक में अपना कार्यालय खोला गया। इस मौके पर भाजपा के उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि पंजाब सहित पूरे देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा की लहर चल रही है जिसके चलते इस बार भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। तो वहीं हरविंदर सिंह संधू की अगुवाई में भाजपा के इस कार्यालय से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू का चुनाव प्रचार शुरू किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ये है कि अमृतसर का विकास हो और यहाँ के लोगों की मुश्किलों को हल करवाया जाए। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने कहा कि रोजाना 1.5 लाख से अधिक टूरिस्ट अमृतसर आते हैं, अगर किसानों ने ऐसे ही बंद रखे तो इनके मनों में बड़ा गहरा असर पड़ेगा, इसलिए हमें रेल लाइनें व सड़कें जाम नहीं करनी चाहिए। अगर बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो शहर की आय भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरी सारिआं नूं इहो ही बेनती है कि
असी अमृतसर की डिवेलपमेंट और अमृतसर की प्रोग्रेस से फोकस करिए। मैं तुहानू फिर एग्जाम्पल दिना है कि अगर साढ़े प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल ते एग्रीकल्चर सिर्फ दुबई यूएई ते सऊदी अरेबिया तक पहुँच जान, फार्मर्स दी इंडस्ट्री दी इनकम्स कम से कम 10 to 15 times बढ़नगी। देखो किहड़े लोग ने उन्हां नूं तुसीं एक्सपोज करो कि जिहड़े लोकां दे हक तों दूर जाके इहो जिहे काम कर रहे ने। देखो जी जो मर्जी कोई कह देवे, फार्मर्स दियां इनकम्स वधनियां चाहीदियां, इंडस्ट्री वधावे, कोऑपरेटिव वधावे, तुहानूं पता इत्थे कोऑपरेटिव या यूनियन वधाउण उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी है, फार्मर्स दियां इनकम्स वधन। और मैं तुहानूं कम से कम 3 ऑल्टरनेटिव्स दित्ते ने। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक मनदीप राजा एंड पार्टी टांडा वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने मां के सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने मनदीप राजा एंड पार्टी टांडा वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कन्हैया मिश्रा एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपती, नरेंद्र सहजपाल, चंद्र मोहन ढींगरा ने गायक कन्हैया मिश्रा एंड पार्टी जालंधर वालों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहनलाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आते इलाके में एक नौजवान ने की आत्महत्या। पुलिस ने पत्नी व एक नौजवान पर मामला किया दर्ज। अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई का उसके परिवार ने ड्यूटी पर मनाया जन्मदिन। चुनावों को लेकर ड्यूटी में था व्यस्त। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।